नमस्कार आपनलोग सकलोके मोर दास टेक्निकल चेनेलर आनी टिभि भिडिओ लै स्वागतम जनाइछो। आजि भिडिओटो आमार केन्द्रीय सरकारर कर्मचारी सकलर लगते राज्यिक कर्मचारी सकलर बाबे अत्यन्त एटा भाल खबर। अर्थात यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर सारे केन्द्रीय सरकारर कर्मचारी सकलर डीए अर्थात डेयरनेस एलाउन्स 38% पुरा 4% বৃদ্ধি কৰি বৰ্তমান 42% কৰা হৈছে। আৰু এই 42% 1 জানুৱাৰী 2023 চনৰ পৰাই ইফেক্ট হ'ব। এই সম্পৰ্কে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অনুৰাগ ঠাকুৰ ছাৰে কি ক'লে বলক আমি সকলোৱে শুনি লওঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি এইটো চেনেলত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে অতিগ্ৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অলত ক্লিক কৰি দিব। তেন্তে বলক আমি আমাৰ ঠাকুৰ ছাৰে কোৱা কথাখিনি আমি সকলোৱে শুনি লওঁ। এমপ্লয়িজ কে লিয়ে জো ডিয়ারনেস এলাউন্স অর পেনশনার্স কে লিয়ে ডিয়ারনেস রিলিফ। तो डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और दरों का निर्धारण तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उसके आधार पर एक स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। लेकिन 2023-24 क्योंकि इसमें 14 महीने आएंगे, 2 महीने पिछले अगर जनवरी 2023 से गिने तो फरवरी 2024 तक इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा 2023-24 में आएगा और प्रति वर्ष जो होगा वो 12,815.60 करोड़ रुपए आएगा। अगर इसमें मैं स्प्लिट करके बताऊं तो डियरनेस अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो 6,554.40 करोड़ पर एनम आएगा और 2023-24 के लिए जो 14 महीने के लिए कहा गया वो 7,646.80 करोड़ रुपया 2023-24 में आएगा। इसी तरह से डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर्स के लिए है वो 6,261.20 करोड़ पर एनम आएगा और जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है जो 14 महीने के लिए वो 7,304.72 करोड़ रुपया इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो कुल मिलाकर 2023-24 में 14,951.52 करोड़ रुपए का इसके ऊपर व्यय आएगा और प्रति वर्ष जो है वो लगभग 12,815 करोड़ रुपया व्यय बढ़ेगा, वित्तीय भार बढ़ेगा।